साल 2023 कई बड़ी फिल्मों के लिए बेहतरीन रहा। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी शाहरुख खान दीपिका पादुकोण फिल्म पठान हो या फिर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल, बॉक्स ऑफिस पर इस साल बड़ी बड़ी जंग देखने को मिली। अब हम सब साल 2023 को अलविदा कहने की तरफ कदम रखते हुए नए साल में एंट्री करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साल 2024 के साथ ही दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म कब रिलीज होगी इस अपडेट को देने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया है। अब तक मेकर्स फाइटर फिल्म में दीपिका पादुकोण से लेकर ऋतिक रोशन और करण सिंह ग्रोवर सहित कई स्टार्स के पोस्टर शेयर कर दिए थे। इसके अलावा फिल्म के दो गाने और पहला टीजर भी स्टार्स द्वारा रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फैंस पहली बार बॉलीवुड डीवा दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की जोड़ी को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। अब हाल ही में सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फाइटर के लीड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर भी नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को देखते हुए फैंस की बेचैनी दुगनी हो चली है। इस नए पोस्टर को शेयर करने के साथ ही ऋतिक रोशन ने ये भी बताया कि उनकी और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बस एक महीना बाकी है। उन्होंने पोस्टर के साथ मूवी का कैप्शन शेयर करते हुए लिखा, एयर ड्रैगन में आप सब एक महीने में मिलने के लिए अपनी कमर कस ले। फाइटर थिएटर में 25 जनवरी 2024 को रिलीज हो रही है। ये फिल्म 70th गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि 25 जनवरी की डेट सिद्धार्थ आनंद के लिए काफ़ी लकी साबित हुई है। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म पठान भी इस तारीख को ही रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर एक इतिहास लिखा था।